हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है टाइम टू पुट ए प्राइस ऑन कार्बन एमिशन। हेडिंग का मतलब क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अभी टाइम आ गया है हमें जो है वो कार्बन जो एमिट करते हैं ना, मतलब जो कार्बन एमिशन होता है ना, जो हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उस पर हमें प्राइजिंग लगाने की ज़रूरत है। अब प्राइजिंग क्या होती है, मतलब उस पर हमें टैक्सेस लगाने की ज़रूरत है ताकि जो कार्बन एमिशन है उसको हम लोग कम से कम कर सकें। ठीक है, तो ये हेडिंग का मतलब है। अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा तो वो मैं आपको बताऊँगा, उसको आप लोग साथ में नोट करते जाना। इस पीडीएफ में मैंने उन वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये पीडीएफ जो है वो द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल से मैंने ली हुई है, इसको मैंने अपनी पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट किया है और जो डिफिकल्ट वर्ड हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए एक बार आप मेरे से समझ लेना, उसके बाद जाके इसको खुद रीड करना। ठीक है, तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ठीक है, तो क्या है आज का आर्टिकल। In the absence of price for use of natural resources such as air and forest, environment destruction has been a part of every country's recipe for boosting GDP growth. तो क्या है, मतलब बिना कोई टैक्स पॉलिसीज़ के, मतलब अगर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई प्राइजिंग नहीं होगी कार्बन एमिशन पे, तो क्या, तो जो इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ है ना वर्ल्ड की, वो क्या करती हैं इस चीज़ को, यो है अपनी जो GDP है उसको बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा यार कार्बन एमिशन पे, कोई रोक टोक ही नहीं होगी, तो जितनी भी जो कंट्रीज़ है ना वो क्या करेंगी, इसका इस्तेमाल करेंगी, मतलब इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेंगी अपनी, जो क्या करने के लिए, अपनी GDP को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अप्रोच हैज़ बीन द रिलेंटलेस एमिशन ऑफ कार्बन कॉजिंग रन अवे क्लाइमेट चेंज। इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर आप लोग अंधाधुंध पेड़ काटोगे, ठीक है, अपनी GDP को बूस्ट करने के लिए, इसका रिजल्ट ये होगा रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है रूथलेस एमिशन होगा, लगातार एमिशन होगा कार्बन का। ठीक है, और इससे क्या होगा, कॉजिंग रन अवे क्लाइमेट चेंज। रन अवे मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल में ना हो, इससे जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद इट इज़ टाइम स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द G20 टू एग्री ऑन वैल्यूइंग नेचर। अभी टाइम है कि जो भी बिगेस्ट इकोनॉमीज है ना G20 की, G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, उनको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी किसको, नेचर को, इंक्लूडिंग बाय प्राइजिंग कार्बन एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है जो लिक्विड वेस्ट होता है, ठीक है, जो पोल्यूट करता है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, नेचर को वैल्यू देनी पड़ेगी और कार्बन प्राइजिंग जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, किसके ऊपर, कार्बन एफ्लुएंस के ऊपर। उसके बाद कार्बन एफ्लुएंस मतलब जो कार्बन के थ्रू जो वेस्ट आता है, पोल्यूशन आता है, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, प्राइजिंग लगानी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, इंडिया कैन टेक द लीड एज ए प्रेजिडेंट ऑफ द G20 दिस ईयर इन कार्बन प्राइजिंग विच विल ओपन अनएक्सपेक्टेड एवेन्यूज फॉर डीकार्बोनाइजेशन। इंडिया जो है वो इसको एक लीडर की तरह ले सकती है, क्योंकि इंडिया जो है अभी G20 की जो है वो प्रेजिडेंट है, तो इंडिया इस ये जो मिशन है कार्बन को कम करने का, इसमें लीड ले सकती है। ठीक है, कार्बन प्राइजिंग करने में जो है वो मदद कर सकती है, विच विल ओपन अनएक्सपेक्टेड एवेन्यूज फॉर डीकार्बोनाइजेशन। एवेन्यूज का मतलब होता है रास्ते, जो काफ़ी ज़्यादा रास्ते जो है वो खुल सकते हैं कार्बन को जो है वो डीकार्बोनाइज करने के लिए, मतलब कम कार्बन एमिशन जो है वो करने के लिए। उसके बाद वेस ऑफ डी प्राइजिंग, मतलब हम लोग जो है वो कार्बन के ऊपर प्राइजिंग कैसे लगा सकते हैं, टैक्सेस कैसे लगा सकते हैं, तो थ्री वेज ऑफ प्राइजिंग कार्बन आर। तो तीन जो तरीके हैं वो ऑथर ने मेंशन किए हैं, वो क्या है मैं आपको समझाता हूं। फर्स्ट है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कार्बन टैक्स डोमेस्टिकली एज इन कोरिया एंड सिंगापुर। पहला तरीका यह है कि कार्बन के ऊपर हम लोग टैक्स लगा सकते हैं, जैसे सिंगापुर और कोरिया में जो है वो लगाया गया है। द यूज ऑफ एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम एज इन यूरोपियन यूनियन एंड चाइना। हम लोग जो है वो अमीशन ट्रेडिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, जो चाइना में लागू है और यूरोपियन यूनियन में लागू है। अब ये क्या है अमीशन ट्रेडिंग सिस्टम, मैं आपको बता देता हूँ। ये सिस्टम ये है कि जो भी कंपनीज होती है ना किसी एरियाज में जो कार्बन एमिट करती हैं, उनको परमिशन दी जाती है कि आप लोग जो है वो किसी लिमिट तक जो है वो कार्बन को एमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्रीज़ को अगर अमीशन मतलब परमिशन दी गई कि आप लोग जो है वो 10 मिलियन, मतलब 10 टन तक जो है वो कार्बन को एमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकती हैं, अगर उन्होंने 8 टन ही जो है वो इस्तेमाल किया, ठीक है, 2 टन उनका बच गया ना, वो उसको ट्रेड भी कर सकती हैं। ठीक है, और अपना जो है वो पैसा जो है वो उसको वापस भी ले सकती है, मतलब एक किस्म का गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। तो ये जो स्कीम है वो कहाँ यूज़ होती है, चाइना और यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, उसके बाद एंड द एप्लीकेशन ऑफ एन इम्पोर्ट टैरिफ ऑन कार्बन कंटेंट। तो और किस चीज़ का वो यूज़ कर सकते हैं, जो कार्बन कंटेंट के ऊपर जो है वो
इम्पोर्ट टैरिफ लगाया जाता है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना, ठीक है, जो कार्बन को एमिट कर सकते हैं, मतलब जिनसे कार्बन एमिशन हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, उन पे टैक्सेस लगाना, ठीक है। इस चीज़ को भी जो है वो यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट कार्बन प्राइसिंग करने के लिए उसके बाद। और ये जो है वो यूनियन, यूरोपियन यूनियन है, उसने इस बात को प्रपोज भी किया था, ठीक है। उसके बाद सम 46 कंट्रीज प्राइस कार्बन अल्थो कवरिंग ओनली 30% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एंड एट एवरेज ऑफ ओनली ए 6 टन ऑफ कार्बन ए फ्रैक्शन ऑफ द एस्टिमेटेड हार्म फ्रॉम द पोल्यूशन। लगभग जो 46 कंट्रीज है ना, उन्होंने जो है वो कार्बन प्राइसिंग लगाया हुआ है, मतलब कार्बन के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया हुआ है, और ये 30% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउसेस को जो है वो कवर करती हैं, और एवरेज इन्होंने जो है वो $6 जो है वो प्रति टन के ऊपर जो है वो कास्ट रखी हुई है। ये मतलब कुछ फ्रैक्शन है, मतलब कुछ हिस्सा है एस्टिमेटेड हार्म फ्रॉम दी पोल्यूशन, मतलब जो हमें हार्म होता है पोल्यूशन से, इसका कुछ हिस्सा जो है वो ये कंट्रीज जो है वो कवर करती हैं। दी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ ए प्रपोज्ड प्राइस फ्लोर्स ऑफ 75, 50 and 25 टन ऑफ कार्बन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड इंडिया। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, उन्होंने कुछ प्राइजिंग सेट की है, जैसे मतलब एक प्रति टन कार्बन के ऊपर कितनी प्राइजिंग लगेगी, तो वो कितनी है, 75, 50 और 25, किसके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, चाइना के लिए और किसके लिए, इंडिया के लिए। इट बिलीव्स दैट इट कुड हेल्प अचीव ए 23% रिडक्शन इन दी ग्लोबल एमिशन बाई 2020। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर ये प्राइजिंग जो है वो इंडिया, चाइना और यूएस में लागू हो गई, तो इससे जो है वो 23% जो है वो रिडक्शन हो सकती है कार्बन एमिशन में 2030 तक, ठीक है। The economy wide benefits of carbon prices in terms of damages avoided plus revenue generation generally outweighed the cost it imposed on the individual industries in the European Union. तो जो economy wide जो benefit है ना, मतलब carbon pricing के जो हमें फ़ायदा होता है carbon pricing करने का, जिससे जो carbon emission है वो कम होता है, in terms of अगर हम लोग advantages की बात करें, या फिर जो revenue generate भी तो होता है, अगर carbon के ऊपर tax लगेगा तो उससे revenue generate भी होगा, generally outweighed the cost it imposed on the individual industry इन दी यूरोपियन यूनियन। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या है, मतलब इसके फायदे ज़्यादा हैं। आउटवेटेड का मतलब होता है किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा होना, मतलब जितनी कास्ट लगती है ना, ठीक है, मतलब जितने पैसे मतलब इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ को जितना पैसा खर्च करना पड़ता है, उससे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है इकनॉमी के लिए अगर हम लोग जो है वो कार्बन प्राइजिंग करेंगे, ठीक है। ये हमने किसकी बात की, जैसे यूरोपियन यूनियन में है, ब्रिटिश कोलंबिया में है, कनाडा है, स्वीडन में है, तो इसके फ़ायदा ज़्यादा है, ठीक है। एक की डायनेमिक इज दैट कार्बन प्राइजिंग बाय सिग्नलिंग ए प्राइस फॉर क्लीनर एयर मेक्स इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड विच हैज़ ह्यूज प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया मोर अट्रैक्टिव। तो इसका की डायनेमिक क्या है, मतलब की जो है वो, मतलब डायनेमिक का मतलब क्या है, कोई शक्ति क्या है, पावर क्या है, कि कार्बन जो प्राइसिंग है ना वो क्या करती है, मतलब क्लीनर एयर के लिए जो है वो प्राइस देना पड़ता है, मतलब टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, बाय सिग्नलिंग ए प्राइस फॉर क्लीनर एयर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मेक्स इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, इससे जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी मतलब होती है, ठीक है, यही सिग्नल करती है ना, मतलब अगर आप लोग कार्बन के ऊपर टैक्स लगाओगे तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो किस पे होगी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे होगी, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, विच हैज़ ह्यूज प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है उम्मीद, होप, तो इंडिया में इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन इंडिया अमंग द थ्री वेज ऑफ इम्पैक्ट ऑन इंडिया अमंग द थ्री वेज ऑफ प्रोवाइजिंग इंडिया कुड फाइंड ए कार्बन टैक्स अपीलिंग एज इट कैन डायरेक्टली डिस्करेज फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर तीन तरीके जो हमने कार्बन प्राइजिंग के डिस्कस किए, उसमें से इंडिया के लिए जो है ना वो सबसे फायदेमंद है, मतलब वो है जो आर्थर ने बताया हुआ है, वो है कार्बन टैक्स अपीलिंग, मतलब कार्बन के ऊपर टैक्स लगाना, एज इट कैन डायरेक्टली डिस्करेज फॉसिल फ्यूल, जिससे जो है वो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, जो पोल्यूशन जो कार्बन को जनरेट करते हैं, वो डिस्करेज हो जाएंगे, मतलब उसका कम से कम यूज़ होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड रेजिंग रेवेन्यूज विच कैन बी इन्वेस्टेड इन ए क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी और यूज टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल कंज्यूमर्स। और जो मतलब कार्बन टैक्स लगेगा उससे कुछ ना कुछ जो रेवेन्यू जनरेट होगा, और उसको भी हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जो वल्नरेबल मतलब जो कमज़ोर कंज्यूमर है, या फिर जो क्लीन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लीन एनर्जी के लिए जो है वो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, जो उससे रेवेन्यू इकट्ठा होगा, ठीक है। उसके बाद इट कुड रिप्लेस द मोर सफिशियंट स्कीम ऑफ पेट्रोलियम टैक्सेस विच आर नॉट डायरेक्टली एम्ड एट एमिशन। ये जो मतलब कार्बन प्राइजिंग है ना, ये जो पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उस स्कीम को जो है वो रिप्लेस कर सकती है, जिसका जो है वो डायरेक्टली टारगेट एमिशन को कंट्रोल करना नहीं है, मतलब जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया जाता है ना, उसका ये मिशन नहीं है कि हमें जो है वो कार्बन के ऊपर कंट्रोल करना है। तो ये जो स्कीम है ना कार्बन प्राइजिंग की, ये मतलब कार्बन के ऊपर टैक्स लगाना, ये जो पेट्रोलियम टैक्स है उसको रिप्लेस कर सकती है। उसके बाद बाय द वे साउथ अरेबिया
India and Russia are at low end of gasoline prices, including taxes and subsidies. China and India are in mid-range and Germany and France are at high end. तो अगर हम लोग इसकी बात करें ना, जो गैसोलीन मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइसिंग लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, वो क्या है? सबसे कम जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है सऊदी अरबिया और रशिया के ऊपर, मतलब सऊदी अरबिया और रशिया में, और मिडल में आती है चाइना और इंडिया में. इंडिया में जो मतलब टैक्स लगाए जाते हैं वो मीडियम रेंज में है, और जर्मनी और प्राइस में जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्सेज लगाए जाते हैं. किसके ऊपर? गैसोलीन. गैसोलीन मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है. उसके बाद है, In most countries, including India, fiscal policy has set in place the basic structure needed to implement the carbon tax. मतलब ज़्यादातर countries, including अगर हम India की बात करें, तो जो fiscal policy जो है ना, वो मतलब जो है वो design तैयार करती है, रूपरेखा तैयार करती है. किसको? किसके लिए? carbon tax के लिए, ठीक है. मतलब एक जो रूपरेखा जो है वो इंडिया ने तैयार की हुई है, ठीक है. उसके बाद, for example, they can be woven into road fuel taxes, which are established in most places and extended to industry and agriculture. तो ये जो क्या है, ये जो कार्बन टैक्स की हम लोग बात करते हैं ना, इसको हम लोग रोड फ्यूल टैक्सेस के साथ भी मिला सकते हैं. बोवन का मतलब क्या होता है? मिलाना, ठीक है. विच आर एस्टैब्लिश इन मोस्ट प्लेसेस, जो कि जो है वो मतलब हर प्लेसेस पे जो है वो रोड फ्यूल टैक्सेस लगते हैं, और इसको हम लोग जो है वो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में भी जो है वो उसको हम लोग लगा सकते हैं. किसको? कार्बन टैक्सेस को, ठीक है. पॉलिसी मेकर्स हैव टू चूज द टैक्स रेट विच वेरीज वाइडली फ्रॉम जापान 2.65 टू डेनमार्क ए सेट ऑफ फॉर 2020. तो मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, वो एक कार्बन टैक्स का जो रेट है उसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है. जैसे 2.65 टन जो है वो जापान में है, ठीक है. डेनमार्क में 1.65 टन है, ठीक है. इंडिया कुड स्टार्ट विद द आईएमएफ फिगर ऑफ 25 अ टन. इंडिया ने मतलब जो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो एक फिगर प्रोवाइड किया ना 25 मतलब 25 डॉलर की, इंडिया जो है वो उससे स्टार्ट कर सकती है, ठीक है. द मेन ऑब्स्टैकल इज़ द आर्ग्यूमेंट वाई लो कार्बन प्राइस. तो इसमें सबसे बड़ा मतलब जो ऑब्स्टैकल है ना कार्बन प्राइसिंग के ऊपर, ठीक है, वो क्या है? इज़ द आर्ग्यूमेंट इंडस्ट्रियल फॉर्म्स दैट लूजिंग देयर कंपिटेट एडवांटेज टू एक्सपोर्टर्स फ्रॉम कंट्रीज विद ए लो कार्बन प्राइस. अब इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब कार्बन प्राइसिंग लगाने में, कार्बन के ऊपर टैक्स लगाने में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो कहाँ से आती है? जो इंडस्ट्रियल फॉर्म्स है ना, मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, अबाउट लूजिंग देयर कंपिटेटिव एडवांटेजेस टू एक्सपोर्टर्स फ्रॉम कंट्रीज विद ए लो कार्बन प्राइस. मतलब उनका ये कहना है कि हम लोग जो है वो अपना कंपटीशन जो है वो लूज़ कर जाएंगे. क्यों? उन कंट्रीज़ के मुकाबले मतलब हम लोग चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिन कंट्रीज़ में लो कार्बन प्राइस है. इसका मतलब क्या है? जिस कंट्री में कार्बन के ऊपर कम टैक्स लगेगा, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स जो है वो सस्ते होंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स को जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में बेच सकती हैं. इससे क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा? तो जिन कंट्रीज़ में कार्बन के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे उनके प्रोडक्ट जो है वो महंगे होंगे, ठीक है. महंगे होने से क्या होगा, वो कम से कम एक्सपोर्ट कर पाएंगे. तो जो इंडस्ट्रियल फॉर्म्स है ना, वो इस चीज़ को जो है वो नकारती हैं कि हमें जो है वो हाई कार्बन टैक्सेस जो है वो नहीं लगाने चाहिए, ठीक है. उसके बाद क्या है, इट वुड स्टैंड टू रीजन देयरफॉर फॉर हाई ऑल हाई मिडल एंड लो कंट्रीज टू सेट द सेम रेट विद इन ईच मार्केट. मतलब ये सही रीज़न है. इसीलिए क्या होना चाहिए कि जितनी भी जो मिडल कंट्रीज़ हैं या फिर जो जितनी भी जो कंट्रीज़ हैं ना, उन्हें एक जो है वो एक प्राइस सेट करना चाहिए कार्बन एमिशन के ऊपर, ठीक है. एक ही रेट के ऊपर जो है वो टैक्स लगना चाहिए. इट माइट्स, ताकि जो है वो किसी के ऊपर जो है वो भेदभाव ना हो और जो कंपटीशन है वो सेम रहे. इट माइट आल्सो मेक ए सेंस टू अलोस कंपनी टू यूज़ हाई क्वालिटी इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट टू ऑफसेट टू ए सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर टैक्सेबल एमिशन. अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि उनको जो है वो एक इंटरनेशनल हायर कार्बन क्रेडिट जो है वो उनका जो है वो मतलब कंपनीज़ को अलो करना चाहिए कि वो इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट को यूज़ कर सके. अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ. देखो, कोई भी जो मतलब गवर्नमेंट है ना, वो कुछ परमिशन देती है कि किसी भी कंपनी को, कि आप लोग किसी मतलब एक लिमिट सेट करती है कि इतने मिलियन टन तक जो है वो आप लोग जो है वो कार्बन को एमिट कर सकते हो. अगर वो उससे कम कार्बन एमिट करती है ना, सपोज करो किसी कंपनी को जो है वो गवर्नमेंट ने 10 टन जो है वो कार्बन एमिट करने की परमिशन दी, उन्होंने 8 टन ही किया, तो जो 2 टन बचेगा ना, उसको वो दूसरी कंट्रीज़ को भी जो है वो बेच सकें. तो ये हो गए, मतलब उनको कुछ कार्बन क्रेडिट दिए जाते हैं. जैसे 10 टन कार्बन क्रेडिट दिया, उन्होंने 8 टन को यूज़ किया, तो 2 टन कार्बन क्रेडिट जो उनका बचा, उसको वो दूसरी कंट्रीज़ को भी बेच सकें. तो ये चीज़ जो है वो अलो करनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है, वो ऑफसेट कर सके. ऑफसेट मतलब क्या होता है? रिकवरी करना. रिकवरी किस चीज़ की रिकवरी करना, ये मैं आपको बताता हूँ.
टू ऑफसेट ए सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर टैक्सेबल अमीशन, मतलब जो उन्होंने टैक्स दिया है कार्बन अमीशन को मतलब अमिट करने में, उसकी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो रिकवरी भी कर सके, ठीक है। दूसरी अगर कंट्रीज में जो है वो अपने कार्बन क्रेडिट बेचेंगे तो कुछ पैसा उनको मिलेगा, जो तो जो उन्होंने टैक्स दिया होगा कार्बन क्रेडिट खरीदने में वो जो है उनको थोड़ा सा जो है वो राहत मिलेगी, ठीक है, थोड़ी रिकवरी होगी उनकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, द यूरोपियन यूनियन एक्सक्लूड्स ट्रांसपोर्ट वेयर हाई कॉस्ट वुड हैव बीन पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली। तो यूरोपियन यूनियन जो है ना, उन्होंने जो कार्बन टैक्स है ना उसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट को हटा दिया है, क्योंकि इसका जो लोड है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर पे आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है, कंज्यूमर करता है। सिंगापुर प्रोवाइड्स वाउचर्स फॉर कंज्यूमर हिट द यूटिलिटी प्राइस राइज, और जो सिंगापुर है ना वो वाउचर प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको वाउचर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे जो है वो जो यूटिलिटी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं, तो वो कंज्यूमर को जो है वो वाउचर्स प्रोवाइड करता है थोड़ी बहुत जो है वो रिकवरी के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड कैलिफोर्निया यूसेस प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ कार्बन परमिट्स पार्टली टू सब्सिडाइज परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। तो जो सिंगापुर है वो क्या करता है, सॉरी जो कैलिफोर्निया है वो क्या करता है, प्रोसीड्स का मतलब क्या है, जो उनको पैसा मिलता है, जो मतलब प्रोसीड्स का मतलब होता है किसी चीज़ की प्राप्ति होना, तो जो पैसा मिलता है ना उनको कार्बन परमिट, मतलब किसी कंपनी को उन्होंने कार्बन की परमिशन दी कार्बन एमिट करने की, तो जो उनको पैसा मिलता है ना उसको वो सब्सिडी देने में काम कर, मतलब यूज़ करती हैं लोगों को ताकि वो इलेक्ट्रिक कार्स को खरीदें, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम मेक एक केस फॉर एग्जेम्प्टिंग इमिशन इंटेंसिव ट्रेड एक्सपोज्ड एंटरप्राइजेस फ्रॉम दी कार्बन टैक्स। तो कुछ कंट्रीज जो क्या करती हैं ना, वो क्या करती हैं, जो इमिशन इंटेंसिव ट्रेड एक्सपोज्ड है, ये क्या है, ये वो कंपनीज हैं जो सबसे ज़्यादा जो है वो मैन्युफैक्चर मतलब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती हैं, मतलब ये कोर इंडस्ट्रीज माना जाता है। तो कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, इनको जो है वो छूट देती है, एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट देती है, मतलब इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाती हैं, ठीक है, ताकि जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो है वो GDP भी बनी रहे और जो है वो डेवलपमेंट भी जो है वो होती रहे। तो कुछ कंट्रीज जो है वो ये जो कंपनीज होती है ना एमिशन इंटेंसिव ट्रेड एक्सपोज, इनको जो है वो छूट देती है कार्बन टैक्स से, बट आउटपुट बेस्ड रिबेट्स वुड बी सुपीरियर वेज ऑफ डूइंग से। आउटपुट बेस्ड रिबेट का मतलब क्या होता है, मतलब जितना आप लोग फायदा दोगे गवर्नमेंट को उसी हिसाब से जो है वो उनको थोड़ा मतलब थोड़ी सी राहत देना। रिबेट का मतलब होता है आपको थोड़ा सा पैसा जो है वो वापस देना, मतलब जितना अगर आप ज़्यादा आउटपुट दोगे तो कुछ जो मात्रा है आपको वापस कर देना। तो अगर आउटपुट के हिसाब से छूट दोगे तो वो बेटर रहेगा, ये आथर का कहना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ऑल सैड एनी टाइप ऑफ कार्बन प्राइजेस फेसिस टफ पॉलिटिकल ओपोजिशन। तो क्या है, जितने भी हमने ऊपर पॉलिसीज की बात की है ना, वो जो है मतलब जितनी भी हमने कार्बन प्राइजिंग की बात की है, तो पॉलिटिशियन जो है ना इसमें सबसे बड़ी रुकावट है, मतलब पॉलिटिशियन जो है वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं कि कार्बन प्राइजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल अपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन ए न्यू कंजर्वेटिव गवर्नमेंट टुक ऑफिस, ऑस्ट्रेलिया रिपील्ड द 2000 टैक्स जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब जैसे ही न्यू गवर्नमेंट बनी थी ना ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने जो टैक्स स्कीम लाई थी ना मतलब कार्बन एमिशन के ऊपर, उसको जो है वो रद्द कर दिया था। रिपील का मतलब होता है वापस ले लिया था, सिर्फ 2 साल के बाद ही, मतलब 2 साल ही हुए थे उसे को लागू हुए, जैसे ही न्यू गवर्नमेंट बनी उसने उसको जो है वो रिपील कर दिया। तो पॉलिटिकल जो है वो इंटरफेरेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद क्या है, रीसेंट मंथ्स हैव रिपील्ड द पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन डीकार्बोनाइजेशन। सोरिंग एनर्जी प्राइसेस लेड टू द यूरोपियन यूनियन टू सेल मिलियंस ऑफ एमिशन परमिट्स, कॉजिंग ए 10% ड्रॉप इन कार्बन प्राइसेस। तो मतलब पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो क्या हुआ, इस अभी रिसेंटली क्या हुआ कि डीकार्बोनाइजेशन का जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था, ठीक है, मतलब कार्बन को जो है वो कम करने के लिए। तो सोरिंग का मतलब होता है बढ़ना। तो जैसे ही एनर्जी प्राइसेस बढ़े ना, तो जो यूरोपियन यूनियन थी उसने क्या किया, परमिशन दे दी, मतलब कार्बन को एमिट करने की जो है वो काफ़ी ज़्यादा परमिशन दे दी, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो कार्बन प्राइसेस थे ना उसमें 10% जो है वो ड्रॉप हो गया, मतलब जितने वो टैक्सेस लगाते थे उसमें उसने कमी कर दी, ठीक है, और जो कार्बन की जो परमिशन थी एमिट करने की वो ज़्यादा से ज़्यादा दी। तो पॉलिटिकल प्रेशर भी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्वीडन मे हैव हैंडल्ड सम ऑफ दिस पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज एनी बाय प्रेजेंटिंग दी कार्बन टैक्स एज ए पार्ट ऑफ बिगर फिजिकल पैकेज दैट लोअर्स अदर टैक्सेस एंड इंक्लूड न्यू सोशल सोसाइटी नेट्स। लेकिन स्वीडन ने जो ये पॉलिटिकल प्रेशर है ना इसको अच्छे से हैंडल किया, और उन्होंने इसको ना मतलब जो कार्बन प्राइसिंग है ना, जो कार्बन के ऊपर टैक्स लगाता है, इसको एकदम ऐसे मतलब बिगेस्ट पैकेज दिखाया फिजिकल पॉलिसी का। फिजिकल पॉलिसी मतलब जो बजट होता है उसका एक बिगेस्ट पैकेज बताया, और बताया कि अगर हम लोग कार्बन के ऊपर टैक्स लेंगे तो ये जो दूसरे टैक्सेस होंगे ना वो कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसको अच्छे से हैंडल किया। कम्युनिकेटिंग द आइडिया ऑफ बिन्स एट द सोशल लेवल इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स लॉसेस। मतलब इसको इस आइडिया को जो कार्बन टैक्सेस का जो आइडिया है इसको प्रेजेंट करना, ठीक है, कहाँ पे,
सोसाइटी में, सोसाइटी लेवल पे इवन मतलब कुछ जो प्रोड्यूसर हैं वो लॉस में रहेंगे, लेकिन फिर भी इस आइडिया का जो है वो हमें प्रेजेंट करना होगा इज़ वाइटल। वाइटल का मतलब होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कुछ प्रोड्यूसर्स को तो लॉस होगा, लेकिन कार्बन के ऊपर टैक्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हमें जो है वो सोसाइटी लेवल पर जो है वो बताना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंट को। इट ए हाई इनफ कार्बन टैक्स अक्रॉस चाइना, US, रशिया एंड जापान एलो 60% ऑफ ग्लोबल एफ्लुएंस विद कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस कुड हैव ए नोटेबल इफेक्ट ऑन ग्लोबल एफ्लुएंस एंड बॉर्बिंग। तो क्या है, अगर जो है वो अगर मतलब अच्छा टैक्स लगाया जाएगा ना, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे चाइना, US या फिर इंडिया जो डेवलपिंग है, रशिया, अगर इनके ऊपर जो है वो अच्छा टैक्स लगाया जाएगा ना, तो इससे जो है ना वो हम लोग ग्लोबल एफ्लुएंस को, वार्मिंग को जो है वो 60% तक जो है वो रोक सकते हैं, ठीक है, जो भी ग्लोबल एफ्लुएंस होते हैं, ठीक है, मतलब ग्लोबल वेस्ट है। इट कुड पेव द वे टू सी डीकार्बोनाइजेशन एज ए बिडिंग डेवलपमेंट फार्मूला। तो इससे जो है ना जो डीकार्बोनाइजेशन है ना, जो हमारा जो फॉर्मूला है ना, उसको हम लोग जो है वो सक्सेसफुल होते जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, एज कार्बन प्राइजिंग गेन्स एक्सेप्टेंस द फर्स्ट मूवर्स विल बी द मोस्ट कॉम्पिटिटिव। तो जैसे ही कार्बन प्राइजिंग को जो है वो एक्सेप्टेंस मिलेगी, मतलब इंडस्ट्रीज जो है वो इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगी, तो जो मतलब जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है, जो फर्स्ट मूवर थे, मतलब जिन्होंने फर्स्ट टाइम कार्बन प्राइजिंग करना स्टार्ट किया था ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इंडिया एज द प्रेजिडेंट एट द G20 समिट दिस सेप्टेंबर कैन प्ले ए लीड रोल बाय टेबलिंग ग्लोबल प्राइजिंग इन द एग्जिस्टिंग फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया भी जो आपको पता है G20 प्रेसिडेंट है, तो इंडिया जो है जो कार्बन जो एमिशन है उसको कम करने के लिए जो है वो लीड कर सकती है, अच्छी पॉलिसीज बना सकती है जिससे कार्बन एमिशन जो है वो कम हो और जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हमारी फाइट है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल, एक एक लाइन मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दी, इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। अब एक दो बार इसको खुद से रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा, एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में, आपको नॉलेजेबल बनाने में ये आर्टिकल जो है वो हेल्प करते हैं। तो जिन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा है प्लीज़ यार कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, डेली मेरा वीडियो आता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके, बाय, जय हिंद।